एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ, सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए हैं, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई है। पर बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे। अभी तक तो पूरे, आपकी बिजली मुफ्त हो गई? आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई? यहां पे इतने पत्रकार, किसी की बिजली मुफ्त हुई? किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब, कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी चन्नी, गल घर 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 गल चल रही चन्नी, मसले हल करता है। तो मेरी, मैंने तो जनता से पूछा जी बिजली मुफ्त हो गई? बोले जी नहीं हुई। चन्नी साहब ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पूरे पंजाब में। चन्नी साहब ने व्यापारियों को बोला मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। कल चन्नी साहब क्या क्या आए ऑटो वालों को कि मैं तुम्हारे चालान खत्म कर दूंगा, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। वो कह रहे हैं कि क्या पंजाब को मुफ्त खोर बनाया जा रहा है। मेरे को बुरा मत मानना, इस शब्द से आपत्ति है। क्या हमारे पंजाब की सारी महिलाएं मुफ्त खोर हैं? मैं पूछ रहा हूं, सुन तो लीजिए, हमारे पंजाब की महिलाएं मुफ्त खोर नहीं हैं। अगर मैं किसी महिला की जेब में 1000 रुपये महीने डाल देता हूं और वो बच्ची अच्छी शिक्षा ले लेती है, उससे वो बच्ची कॉलेज चली जाती है, किताबें खरीद लेती है, अगर किसी गृहिणी की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी कर लेती है, किसी माँ की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं, वो उसके घर बेटी आई हुई है, उस बेटी को थोड़े से पैसे दे देती है, इसमें क्या मुफ्तखोरी क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, हमारे यहां इन नेताओं ने कर दी मुफ्तखोरी। एक चीज बताओ, आपके जितने मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनकी बिजली फ्री है कि नहीं है? तो मंत्रियों को तो फ्री बिजली मिले, और केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री कर दे तो कहते हैं केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है, केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है। उनको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त होती है, एक एक मंत्री की 4-4 हजार यूनिट, उसकी बिजली भी फ्री, उसका पानी भी फ्री, उसका हेलीकॉप्टर भी फ्री, उसकी गाड़ी भी फ्री। मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, तुम्हारा पानी फ्री कर दूंगा, तुम्हारे को 1000-1000 रुपए दे दूंगा, क्या बुरा कर दिया मैंने? भाई साहब मैंने तो जिंदगी में ठान लिया, जो जो चीजें मंत्रियों को मुफ्त मिलती है सारी जनता को दिलवाऊंगा मैं। फिर ये मुफ्त खोरी और माफिया राज इस देश के नेता कर रहे हैं, इन नेताओं को ठीक करेंगे हम, तो जनता तय करेगी कि उनको केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है कि अकाली दल। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू देखा था चन्नी साहब का, वो कह रहे थे कि असली आम आदमी तो मैं हूं, बोले मेरे को गिल्ली डंडा भी खेलना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, तो बोले असली आम आदमी मैं हूं, वो केजरीवाल जो है वो आम आदमी नहीं है। मैं उनसे 100% सहमत हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को बच्चों के स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अच्छी शिक्षा देनी आती है, मेरे को बच्चों का भविष्य बनाना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, पर मेरे को आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, मेरे को आपके लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को 10-10 कैमरे लेके 24 घंटे घूम घूम के शूटिंग कराना नहीं आता, लेकिन मेरे को आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां देना आता है, मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते,
मेरे को आपकी बिजली मुफ्त करनी आती है, आपकी बिजली 24 घंटे करनी आती है। पंजाब की जनता तय करेगी कि उनको नौटंकी करने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।